हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सुमित गोस्वामी। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप पैन कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू भी। एक ऐसी साइट बताऊंगा जिससे आप इंस्टेंटली अपना पैन कार्ड नंबर जनरेट कर सकते हैं, अगर आपका आधार कार्ड नंबर मोबाइल नंबर से लिंक है, जिस पे आप OTP प्राप्त कर सकें तो इंस्टेंटली आपको पैन नंबर मिल सकता है। उसके साथ आपकी PDF भी आपके मेल ID पर इंस्टेंटली मिल सकती है। कम फीस में आप कैसे अप्लाई करेंगे? सिर्फ ₹107 फीस कटेगी आपकी, जिससे आप अपना पैन कार्ड घर बैठे बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताऊंगा, वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों, आज जो मैं वेबसाइट बताने वाला हूँ आपको पैन कार्ड बनाने के लिए, उस वेबसाइट से आप इंस्टेंटली अपना पैन कार्ड बना सकते हैं, क्योंकि वो ही मैं यूज करता हूँ। मेरे एक्सपीरियंस से मुझे सबसे अच्छी वेबसाइट वही लगी। तो मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों, हम सर्च कर लेंगे गूगल क्रोम पर जाने के बाद, सर्च कर लेंगे ऑनलाइन सर्विस NSTL, ऑनलाइन सर्विस NSTL आप इतना डाल देंगे गूगल क्रोम में। उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। अगर फ़ोन से कर रहे हैं तो फ़ोन से भी आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली। जो पहला लिंक आता है ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन लिखकर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको वैसे ही फॉलो करना है। अगर आपका पैन कार्ड नया है तो उसमें न्यू सिलेक्ट करना, अगर आपका नया नहीं है, अगर कोई एक्सचेंज करना है या फिर अपडेट करना है आपको, तो इसमें अलग वाला ऑप्शन चूज करिए। जैसे कि चेंज और करेक्शन एक्सिस्टिंग पैन कार्ड है, इस पर आप सेलेक्ट करना है। दोबारा पैन कार्ड अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ऊपर ही इसमें लिखा हुआ है अगर आप दोबारा पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो पेनल्टी आपको ₹10,000 तक ही देनी पड़ेगी। ये पैन कार्ड ने पहले ही बोल दिया है। तो हमें न्यू पैन कार्ड अप्लाई करना है इंडिविजुअल कैटेगरी में, तो इंडिविजुअल डाल देंगे हम। उसके बाद अपनी डिटेल फिल कर लेनी है, जैसे कि आपको ये ध्यान रखना है कि सरनेम में आपका जो सरनेम है वही लिखना है, लास्ट नेम अथवा सरनेम में सरनेम आपको वही लिखना है। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम लिखना है। अगर आपके नाम में सिर्फ एक ही नाम है, मान लीजिए किसी का नाम विजय है, तो सिर्फ आपको विजय यहाँ लास्ट नेम में सरनेम में लिखना है, बाकी दोनों कॉलम खाली छोड़ देने हैं। अगर आपका नाम जैसे कि किसी का विजय कुमार है, तो विजय आपको फर्स्ट नेम में लिखना है और कुमार आपको सरनेम में लिखना है। ठीक है ना, इतने तो समझ सकते हैं आप आसानी से। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कर लीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। अब अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ फिल कर लिया, अपना मोबाइल नंबर फिल कर लिया, ईमेल आईडी फिल कर लिए। सब कुछ फिल करने के बाद आपको कैप्चा फिल कर लेना है और सिंपल सबमिट पर क्लिक कर देना है। आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, जैसे कि मैंने फिल कर दिया है और एक मुझे टोकन नंबर भी मिल गया है, देख सकते हैं। इसको कोई ज़रूरत नहीं है सेव करने की, क्योंकि ये ऑलरेडी आपकी ईमेल आईडी पर भी पहुंच जाएगा। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। वेबसाइट आपने देख ली है, टोकन आपने बना लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू पैन एप्लीकेशन पर करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको, समझ में आ जाना चाहिए आपकी भी। तो आपको यहाँ पर इस तरीके का दिखाई देगा। आपको क्या सेलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट होता है कि सबमिट डिजिटल EKYC पेपरलेस। आपके आधार कार्ड पे अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आसानी से आप बिल्कुल इंस्टेंटली आप अपना पैन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी फ़ीस भी बहुत मामूली सी, ₹107 फीस है, जो कि अगर आप साइबर कैफे में जाएंगे तो 200-250 तक ले लेते हैं आपसे। तो आपको इसमें आधार कार्ड के जो लास्ट के 4 डिजिट होते हैं वो फिल कर ले हैं। मैंने अपने आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट फिल कर लिए हैं। उसके बाद मैं लिखना चाह रहा हूँ कि आधार कार्ड में जो फ़ोटो है वही मैं इसमें लगवाना चाह रहा हूँ या नहीं। तो मैं हाँ कर देता हूँ कि मैं जो आधार कार्ड में मेरा फ़ोटो है वही मैं इसमें लगवाना चाह रहा हूँ। जो आधार कार्ड में नाम है वो आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक फैच कर लेगा। उसके बाद अपना नाम वगैरह फिल कर चुके थे पहले ही आपने जब टोकन बनाया था, तो उसमें मेल फीमेल सेलेक्ट कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर में कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भरने की। उसके बाद अपने फादर का नाम या मदर का नाम, जो भी आप अपने पैन कार्ड में प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो लिख दीजिए। अगर आप मदर का नाम प्रिंट कराना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अपने फादर का नाम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, फादर का नाम लिख दीजिए, मैंने लिख दिया है। उसके बाद आप फादर का नाम प्रिंट कराना चाहते हैं तो फादर पर क्लिक कर दीजिए, नेक्स्ट कर देंगे। सिंपल, इतना तो आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, सैलरी है आपकी, कोई जॉब करते हैं किसी तरीके का, तो इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप नो इनकम पर सेलेक्ट करके
नेक्स्ट कर दीजिएगा। अपना एड्रेस आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड से जो एड्रेस लेना है वो ऑटोमेटिक फैच कर लेगा। अगर कोई आपका एडिशनल एड्रेस है जो ऑफिस का एड्रेस है जहाँ पर अपना पैन कार्ड मंगाना चाहते हैं, तो आप अपने यहाँ पर फिल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि जो मेरा आधार कार्ड वाला एड्रेस है मुझे उसी एड्रेस पर अपना पैन कार्ड मंगाना है। उसके बाद अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर के लिए कोड चूज़ कर लीजिए, ISD कोड 91 सेलेक्ट कर लिया, और मोबाइल नंबर अपना ऑलरेडी पड़ा हुआ है। उसके बाद कुछ आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सिंपल नेक्स्ट कर देंगे तो हम फोर्थ ऑप्शन पर आ जाएंगे, जैसे कि हमारा AO कोड चाहिएगा। तो AO कोड कहाँ से मिलेगा हमारा, ये बात आती है, तो मैं आपको बता दूँ AO कोड के लिए आपको क्या करना है। इंडिया सिटीजन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपकी जो भी स्टेट है, मान लीजिए आपकी स्टेट उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपके RTO आ जाएगा, जो भी आपका RTO है, एक भी आ सकता है आपका, अगर आपके स्टेट में आपके डिस्ट्रिक्ट में एक RTO है तो एक आएगा, अगर अधिक हैं तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा RTO आपके पास नज़दीकी कौन सा है, जिससे आपको आसानी से पैन कार्ड मिल सके। जैसे कि इसमें दो RTO दिखाई दे रहे हैं कि RTO1 और RTO2, तो RTO2 खाली है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं RTO1 ही सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद देखेंगे कि AO कोड जो था वो ऑटोमेटिक फिल हो गया है। अगर यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आती है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं आप, या फिर इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट कर लेंगे, सिंपल बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड इशू, आपकी जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो भी आधार कार्ड लग गया है, प्रूफ ऑफ एड्रेस है वो भी आधार कार्ड, और जो डेट ऑफ बर्थ का है वो भी आधार कार्ड, तीनों में आधार कार्ड का ऑप्शन ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। आपका नाम यहाँ दिखाई दे जाएगा आपको, उसके बाद आपको हिमसेल्फ पर क्लिक कर लेना है, और जो भी आपका एड्रेस है जहाँ से आप अपना आधार पैन कार्ड बना रहे हैं वो जगह लिख देंगे। मैंने अपनी वो जगह लिख दी जहाँ से मैं पैन कार्ड बना रहा हूँ उस टाइम, और आज की डेट ऑटोमेटिक हो जाएगी सेलेक्ट। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है आपको, जैसे कि मैंने सबमिट पर क्लिक किया तो लिखा हुआ रहा है कि योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, प्लीज़ कन्फर्म डिटेल्स। डिटेल कन्फर्म करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, जो आधार कार्ड के आपने 4 डिजिट डाले थे वो ऑटोमेटिक फिल हो चुके हैं, लेकिन शुरू के जो 8 अंक है वो मांग रहा है, तो 8 अंक डाल दीजिएगा शुरू के आधार कार्ड के। मैंने आधार कार्ड के शुरू के 8 अंक डाल दिए हैं, बाकी अपनी सारी GB जो भी डिटेल है, आपने जो भी फिल किया है वो सब चेक कर लीजिए एक बार, कोई गलती होती है तो इस टाइम अभी सुधार सकते हैं, लेकिन जब बन जाएगा तो सुधार नहीं पाएंगे। उसके बाद दोबारा ही आपको पैन कार्ड की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, दोबारा पैन चेंज करना पड़ेगा आपको, अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, फिर से फीस कटेगी उसकी, इसीलिए अच्छा ये है कि अभी आप चेक कर लीजिए केयरफुली। चेक करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, जब आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फीस काटने का ऑप्शन आएगा, जहां से आप 107 रुपये फीस काट सकते हैं। 107 रुपये फीस इसकी कट जाएगी, उसके बाद आपके सामने एक PDF ओपन होगा, मैं दिखा देता हूँ किस तरीके का PDF ओपन होगा। जैसे ही आप फीस काट लेंगे आपके सामने इस तरीके की फाइल ओपन होगी, उसमें आपको अपना पासवर्ड डाल देना है, और आपका पासवर्ड जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ फिल करी है उसमें DDMM YY इस फॉर्मेट में आपको भरनी है, जैसे कि लिखा हुआ आ रहा है DDMM YY, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ डायरेक्ट बिना स्लैश के फिल करनी है, तो आपकी PDF फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे कि मैं फिल कर देता हूँ, ये मैंने फिल कर दी, तो ये PDF फाइल ओपन हो गई है। इस तरीके की आपके सामने PDF फाइल ओपन हो जाएगी आपके पैन कार्ड की, और यही फाइल आपके लिए ईमेल पर भी सेंड कर दी जाएगी, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ ईमेल पर भी मेरे ये फाइल भेज दी गई होगी। हाँ ये है, ये देखिएगा ईमेल पर भी ये ही भेज दिया गया है नीचे डॉक्यूमेंट में, ठीक है ना। और इसमें रिसिप्ट भी होती है, जो आप फीस काटते हैं उसकी 107 रुपये फीस कटने की रिसिप्ट भी होती है, तो उसको भी दिखा देता हूं मैं। जैसे कि देख पा रहे हैं आप, जिसमें 106 रुपये 90 पैसे की स्लिप भी आपके पास है, इससे आप ट्रैक कर सकते हैं, आपका ट्रैकिंग नंबर ये है, इससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड कब बन जाएगा। देखिए मैं दिखा भी देता हूं, अब पैन कार्ड स्टेटस आप डालेंगे तब उस नंबर से आप सेलेक्ट करके पैन, न्यू पैन आपने बनाया है तो न्यू पैन, और इसमें कैप्चा फिल कर देंगे,
सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि आपका पैन कार्ड नंबर जो है वो पैन नंबर आपको मिल चुका है। ये पैन कार्ड एलोटेड पैन नंबर जो है अलॉट कर दिया गया है डिपार्टमेंट से, इनकम डिपार्टमेंट से, और पैन कार्ड जो है अंडर प्रोसेस है इस टाइम NSDL एंड विल बी डिस्पैचली शॉर्ट, मतलब डिस्पैच कर दिया जाएगा शॉर्टली, जल्दी शॉर्टली डिस्पैच कर दिया जाएगा आपके लिए पैन कार्ड आपका। दोस्तों अप्लाई करने के थोड़ी देर बाद ही आपको एक मेल रिसीव होगा noreply@nsdl.co.in करके, जहां से आपका पैन अलॉटमेंट लेटर होगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि आपका डियर सर मैडम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टेक इन प्लेजर इन योर इन्फॉर्मेशन दैट परमानेंट अकाउंट नंबर पैन नंबर अलॉटेड टू यू, ये पैन नंबर आपको अलॉट किया गया है। और पैन नंबर जो है आपका अलॉट करने के बाद एक PDF दी जाती है नीचे, जिसमें आपका पैन कार्ड नीचे होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर से आपको वही डेट ऑफ बर्थ डालकर आपका ओपन कर लेना है। सिंपल ओपन कर लेंगे तो आपको इसमें पैन नंबर देखने को मिलेगा, आपका पैन कार्ड देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको पैन कार्ड दिखाई दे रहा हूँ, तो इस तरीके का आपको पैन कार्ड PDF में मिल जाएगा, डुप्लीकेट पैन कार्ड। आसानी से आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जहाँ भी आपको बैंक में अगर लगाना है, आपको ज़रूरत इमीडिएटली है इंस्टेंटली, तो आप बना सकते हैं इससे आसानी से घर बैठे। अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। आपने अगर अपना पैन नंबर बना लिया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।